मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस ने बाप बेटे की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर के शहबाजपुर में हुई किराना दुकानदार भोला ठाकुर एवं उसके बेटी राहुल हत्याकांड का नामजद आरोपी मोहम्मद रेहान को अहियापुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह भागने की फिराक में था, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। रेहान के पिता मुर्तजा भी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि पुरानी अदावत को लेकर भोला ठाकुर एवं उसके पुत्र राहुल को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया था। डबल हत्याकांड के बाद से रेहान फरार चल रहा था। आपको बता दें कि इसी महीने के 17 तारीख को अहियापुर के शहबाजपुर सामुदायिक भवन के समीप किराना कारोबारी भोला ठाकुर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उससे कुछ दिन पहले ही भोला के पुत्र राहुल को भी अपराधियों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दी थी। और डबल मर्डर का अभियुक्त है वो। पिछले 2-2.5 महीना पहले भी भोला ठाकुर के लड़का का राहुल का मर्डर हुआ था, जिसमें रेहान का नाम आया था, नेम्ड है। और ये भोला ठाकुर का भी मर्डर हुआ, उसमें भी रेहान का बाई नेम्ड नाम है। इस दोनों डबल मर्डर केस में ये आया है, गिरफ्तार हुआ है, आज वो जेल जा रहा है। वो गिरफ्तारी कई टाउन में कहीं से हुई है। इनकी भूमिका थी हत्या? हाँ, इसकी भूमिका दर्ज कुछ रिकवर भी हुआ है? रिकवरी तो कुछ नहीं है, इसमें अनुसंधान समय जारी है। और भी अभियुक्त इसमें फरार है और छापेमारी चल रही है, उसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। रेहान कहाँ का रहने वाला है? रेहान अहियापुर थाना अंतर्गत है, मुरादुद्दौला का रहने वाला है, जिसमें इसके पिता का भी नाम है। भोला ठाकुर के मर्डर में इसके फादर का भी नाम है मुर्जिया का, जो जेल जा चुका है, और आज रेहान जेल जा रहा है। थैंक यू।